Higher education and Alan Bloom. Alan Bloom, like Carl Jaspers, has also emphasized the importance of higher education and various factors which were troubling at that time. Higher education could have been Alan Bloom higher education it is between 1960s and 80s when America is going through a revolutionary time regarding society, regarding economy, and also regarding the Higher education. First thing uh, Bloom talks about is about students, and Bloom was disappointed in the students pursuing higher education in America in his time. And in America, students who students in higher education, Alan Bloom they are very disappointed. And they have become passive, so they are not a part of the mainstream anymore. and आर डिपेंडेंट ऑन अ डी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड एन एजुकेशन सिस्टम ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे वो इस वक्त उनका इहिसार वो कर रहे हैं जो कि जिसकी बेस खराब हो चुकी है पहली बात उनकी नॉन सीरियस एटीट्यूड था जो स्टूडेंट्स में मौजूद था और ब्लूम उसके बारे में ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स की नॉन सीरियसनेस यहाँ से सामने आती है कि उनका इंटरेस्ट सेल्फ डिस्कवरी में नहीं है इंटरेस्ट इन सेल्फ डिस्कवरी नहीं है यानी एक ऐसी तालीम जो आपके अंदर गहराई में आपको खुद को जानने और अपने अंदर मौजूद पोटेंशल को बाहर लाने का मौका दे वैसा नहीं है बल्कि वो रिलाई कर रहे हैं ईजी और प्रफर्ड आंसर्स पर वो जवाब जो सदियों से सामने चले आ रहे हैं चीज़ों के उनको क्योंकि वो अन अपोज ट्रूथ के तौर पर सदियों से मौजूद हैं सो so, यहाँ हम क्या देखते हैं कि हकीकत यह है कि स्टूडेंट्स अपने सेल्फ डिस्कवरी की इज आउटसाइड दैट डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज व्हिच इज ऑलरेडी क्रिएटेड द आंसर्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सोसाइटी लेकिन इस सब के पीछे वो माहौल है अमेरिका का जो कि इन दहाइयों के दौरान बहुत डोमिनेंट हो चुका था एंड देन ब्लू बिलीव द अर्ली एजुकेशन ऑफ यंग अमेरिकन यूनिवर्सिटी वॉज अ क्लीन स्लेट फॉर दे दी स्टार्ट ऑफ प्रॉपर एजुकेशन और यहाँ एलन ब्लूम का ये ख़्याल था कि यूनिवर्सिटी में एंट्र होते हुए जो कि शुरू का एजुकेशन सिस्टम है बच्चों का स्कूल्स का उन्होंने उन्हें बिल्कुल स्परिचुअली एम कर दिया है यानी उनके अंदर कुछ भी नहीं भरा उनके ऊपर कुछ भी तहरीर नहीं किया उनके जहनों को किसी चीज़ से उन्होंने किसी भी तरह स्परिचुअली यानी कि मॉरली और दूसरी चीज़ों से उनको किसी भी तरह सैराब नहीं किया और यूनिवर्सिटी में एंटर होते हुए वो बिल्कुल एक क्लीन स्टेट है और यही उनकी एजुकेशन का एक स्टार्ट है यानी बहुत देर से हायर एजुकेशनल लेवल के ऊपर जाके ही बिलीव दिस टू बी अ गुड थिंग और वो समझते थे कि ये चले कुछ बेहतर बात है एज दे हैड एंड हैड फ़िलासफी ड्रम्ड इन टू दैम सिंस चाइल्ड हुड और उनका ख्याल था कि जो फिलॉसफी जो कि नेगेटिव है ब्लूम के ख्याल में वो उनमें शुरू से नहीं भर दी गई इस तरह से कि उनके जो ज़हन है और उनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनमें किसी और नई नॉलेज के लिए जगह बाकी ना हो एंड सो दे टू अ फ्रेश इंटरेस्ट इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और यहाँ पे वो एक फ्रेश इंटरेस्ट ले सकते हैं नॉलेज के अंदर और उसकी क्रिएशन के अंदर जबकि इसी वक्त अगर यूरोप में देखा जाए तो यूरोप के अंदर लोग स्टूडेंट्स इस तरह से यूनिवर्सिटी पहुंच रहे थे कि वो स्पेशलाइजेशन कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे जबकि यहां हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एलम तालीम का आगाज ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन से हो रहा है एंड देन अबाउट लिबरल एजुकेशन दिस पोजिशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड दैट दे बी प्रोवाइडेड विद लिबरल एजुकेशन इन ऑर्डर टू अचीव द की गोल्स ऑफ एजुकेशन दैट इज सेल्फ डिस्कवरी एंड विजडम और ये जो पोजिशन अमेरिकन यूनिवर्सिटी की उस वक्त हो चुकी थी उसके मुताबिक उन्हें लिबरल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए डिमांड ये थी कि उन्हें एक वास्ट नॉलेज दिया जाए ताकि अचीव कर सकें उन गोल्स को जो एजुकेशन के हैं जो कि सेल्फ डिस्कवरी और विजडम के हैं यानी दानाई के हैं तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ब्लूम इस बात के ऊपर खाइफ भी हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल क्या चल रहा है और फिर ये बताते हैं कि जो अर्ली एजुकेशन है उसमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा और फिर यूनिवर्सिटी ही वो दर्ज का है जहाँ से उन्हें गोल्स अचीव करने हैं जो एजुकेशन के हैं